Hello everyone, welcome to my channel Math Majestic. Today we are going to start solid geometry and first we will start with the topic sphere. This topic is useful for all BA, BSc and as well as MSc students. And first of all, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं तो प्लीज़ लाइक माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू वेरी मच. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू द डेफिनेशन व्हाट इज स्फीयर. देखिए, स्फीयर इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट. ए स्फीयर इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट. लोकस इज द पाथ ऑफ ए पॉइंट इन विच द पॉइंट इज मूविंग. सो लोकस इज द पाथ ऑफ ए पॉइंट. सपोज दिस इज अ पॉइंट एंड दिस इज मूविंग लाइक दिस. दिस इज द लोकस ऑफ दिस पॉइंट. सो ए स्फीयर इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स सो दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट. मतलब सपोज ये कोई पॉइंट है, इसका ये जो पाथ है दिस इज़ कॉल्ड द स्फीयर. अगर किसी फिक्स्ड पॉइंट, सपोज दिस इज़ द फिक्स्ड पॉइंट, इससे इसका डिस्टेंस हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है, सेम डिस्टेंस रहता है. सो दिस इज कॉल्ड द स्फीयर एंड दिस फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द स्फीयर. एंड द कॉन्स्टेंस डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है जो हमेशा फिक्स रहता है, दिस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द स्फीयर. जनरली इट इज़ डिनोटेड बाय आर एंड सेंटर इज जनरली डिनोटेड बाय ओ. सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ द स्फीयर. नाउ वी विल डू द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर. देखिए, इक्वेशन ऑफ द स्फीयर क्या होगी. इक्वेशन ऑफ द स्फीयर हमारे पास अलग अलग सेंस में होती है. सबसे पहले हम करते हैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म. स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ स्फीयर इज एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर. दिस इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ स्फीयर हुज सेंटर इज 0 0 0 एंड हुज रेडियस इज आर. तो उसकी ऐसा स्फीयर जिसका सेंटर 0 0 हो और रेडियस आर हो, उस इक्वेशन ऑफ द स्फीयर इन स्टैंडर्ड फॉर्म इज एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर. नाउ वी विल प्रूव दिस. सपोज पी कोई पॉइंट लिया हमने जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जेड. ये हमारे पास कोई स्फीयर है, इस पर यहाँ पर सपोज समवेयर ये पॉइंट है पी. दिस इज़ द स्फीयर विद कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स वाई एंड जेड विद सेंटर 0 0 0. ओरिजिन है ये, तो 0 0 0 सेंटर होंगे. सपोज दिस इज पॉइंट पी. सो लेट पी एक्स वाई जेड बी एनी पॉइंट ऑन द स्फीयर विद सेंटर 0 0 0. देन बाय डेफिनेशन दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड आर. अभी हमने किया डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, जो होगा किसी पॉइंट का डिस्टेंस वो रेडियस के इक्वल होता है. सो दिस इज इक्वल टू सपोज आर. डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड पी इज इक्वल टू आर विच इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द स्फीयर. सो नाउ पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट हैं एक्स वाई जेड एंड पॉइंट ओ के कोऑर्डिनेट हैं 0 0 0. तो डिस्टेंस फॉर्मूला जो हमने छोटे क्लासेस में किया है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, तो क्या होता है उसका फॉर्मूला हमारे पास एक्स माइनस 0 स्क्वेयर, वाई माइनस 0 स्क्वेयर, जेड माइनस 0 स्क्वेयर रूट दिस इज इक्वल टू आर रेडियस. सो डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड पी इज इक्वल टू कोऑर्डिनेट्स हैं इनके 0 0 0 एंड एक्स वाई जेड. तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा ये होगा यहाँ पर अप्लाई. दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर का रूट डैट इज इक्वल टू आर. सो दिस बिकम्स एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर. स्क्वेयर रूट को दूसरी साइड ले जाएंगे तो स्क्वेयर में कन्वर्ट हो जाएगा. सो दिस इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर इन स्टैंडर्ड फॉर्म. ये आपको रिजल्ट्स जो हैं वो याद रखने हैं. नेक्स्ट वी विल डू द सेंट्रल फॉर्म ऑफ द स्फीयर. देखिए, सेंट्रल फॉर्म ऑफ द स्फीयर हमारे पास क्या होती है. सेंट्रल फॉर्म ऑफ द स्फीयर, फॉर द सेंट्रल फॉर्म ऑफ द स्फीयर, देखिए मान लीजिए सेंट्रल फॉर्म हम निकालते हैं. कोई स्फीयर है जिसका सेंटर है हमारे पास
A, B, C and radius is R. Then the central form of the sphere will be, we will derive that. Suppose P कोई point लेते हैं हम, हमारे पास ये कोई sphere है जिसके, suppose यहाँ पर P कोई point है जिसके coordinates हैं x, y and z. And center of the sphere is A, B, C. Suppose center को हम C से denote करते हैं जिसके coordinates हैं A, B, C and radius is R. So this is the radius equal to R. Now, by the definition of the sphere, CP, radius किसके equal होगी? CP के equal होगी radius. So, CP is equal to radius R. And the by distance formula, the distance between C and P will be x minus a square, जो अभी हमने जैसे apply किया था, दोनों के coordinates given है, y minus b square, z minus c square का root, that is equal to R. So, the formula becomes x minus a square plus y minus b square plus z minus c square equal to r square. This is the central form of the equation of sphere. आपको ये भी याद रखनी है. Now, इसको हम थोड़ा सा evaluate भी कर सकते हैं. Square formula खोल लेंगे. तो x square plus a square minus 2ax. We will open this formula as y square plus b square minus 2by plus z square plus c square minus 2cz, that is equal to r square. So, coefficients को सिर्फ arrange कर रहे हैं हम, x square, y square, z square. To memorize this easily, हम coefficients को just collect कर रहे हैं, फिर minus 2ax, minus 2by and minus 2cz. And the last constants a square, b square plus c square and this one's r square. So a square plus b square plus c square positive and r square left mein layenge to negative becomes equal to 0. So this is also used as the central form of the equation of sphere. Sometimes we use this form and sometimes we use this form. Now we have an important remark. Dekhiye, abhi humne do equations, ab ek general rule इक्वेशन ऑफ द स्फीयर के लिए क्या, इक्वेशन ऑफ द स्फीयर एक तो हमेशा सेकंड डिग्री की इक्वेशन होती है. यहाँ पर देखिए इक्वेशन जो है ये हमारी इसकी डिग्री जो है वो टू है. सो इक्वेशन ऑफ द स्फीयर इज ऑलवेज ऑफ सेकंड डिग्री. द सेकंड वन इंपॉर्टेंट थिंग इज हेयर इज कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वेयर, वाई स्क्वेयर एंड जेड स्क्वेयर आर ऑलवेज इक्वल. एक्स स्क्वेयर, वाई स्क्वेयर, जेड स्क्वेयर नॉट नेसेसरली कोफिशियंट यूनिटी बट always coefficients of x square, y square and z square will be equal. And the third main important remark is there is no term involving the products like xy, yz or zx. किन्हीं भी दो coefficients का, दो variables का xy, yz या zx का product इस equation में कहीं पर भी नहीं होगा. So these are the important things to remember forming the equation of the sphere. Now we will from here, we will derive the general form of the equation of sphere, which is very important to be memorized. Dekhi, general form of the equation of the sphere is like this. X square plus y square plus z square plus 2ux plus 2vy plus 2wz plus d equals to 0. Where u is equal to minus a, v is equal to minus b and w is equal to minus c. And d is equal to a square plus b square plus c square minus r square. देखिए ऊपर वाली equation से ही हमने equation derive की है. कैसे की है? These are same here. 2ux, that means दोनों को compare करें तो u is equal to minus v a. 2vy, दोनों को compare करें तो v is equal to minus b. And 2wz, दोनों को compare करें तो w is equal to minus c. And from here, d is equal to constant a square plus b square minus plus c square minus r square. So, general form को हमने, इस central form को generalize कर दिया हमने by using u, v and w and d. So, this is called the general form of the equation of sphere. Now, we will do the diametrical form of the equation of sphere. अब देखिए, diameter form equation of the sphere की क्या होगी? To find the equation of the sphere on the join of two points, suppose हमारे पास ये sphere है, इसके
डायमीटर के, ये इसका स्फीयर का सेंटर है और ये इसके डायमीटर हैं ए एंड बी। डायमीटर के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वन वाई वन एंड जेड वन, एक्स टू वाई टू एंड जेड टू। नाउ वी हैव टू फॉर्म द इक्वेशन ऑफ स्फीयर ऑन द ज्वाइन ऑफ एक्सट्रीमिटीज ऑफ डायमीटर। डायमीटर के इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर हमें इक्वेशन ऑफ द स्फीयर यूजिंग द एक्सट्रीमिटीज ऑफ डायमीटर फॉर्म करनी है। नाउ सपोज ए एंड बी, दीज आर द डायमीटर ऑफ द स्फीयर, एक्सट्रीमिटीज ऑफ डायमीटर। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वन वाई वन जेड वन एंड बी के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स टू वाई टू एंड जेड टू। एंड सपोज पी एक्स वाई जेड, पी जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जेड, ये कोई पॉइंट है स्फीयर पर एंड वी इनको ज्वाइन कर देते हैं, ए को पी से और बी को भी पी से। नाउ वी हैव द इम्पॉर्टेंट रिजल्ट इन द स्फीयर्स डैट अगर हम एक्सट्रीमिटीज़ पर किसी एक सेम पॉइंट से कोण बनाते हैं तो वो हमेशा आपस में परपेंडिकुलर होती हैं दोनों कोर्ड्स। अगर किसी एक पॉइंट से एक्सट्रीमिटीज़ पर हम ये कोर्ड ज्वाइन करते हैं तो ये दोनों कोर्ड्स आपस में हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं। सो ए पी इज़ परपेंडिकुलर टू बी पी, ये हमारे पास रिजल्ट है जो हम स्फीयर्स में करते हैं हमेशा। बट द डायरेक्शनल कोसाइंस ऑफ दिस लाइन, ए पी लाइन के इसके डायरेक्शनल कोसाइंस जो हैं वो हमारे क्या होंगे, ए पी लाइन के डायरेक्शनल कोसाइंस, ये हमने डायरेक्शनल कोसाइंस पहले पढ़े हैं छोटी क्लासेस में। तो क्या होगा, एक्स माइनस एक्स वन कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि एक्स वाई जेड और एक्स वन वाई वन जेड वन है, तो एक्स माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन एंड जेड माइनस जेड वन, दीज आर द डायरेक्शनल कोसाइंस ऑफ लाइन ए पी। सिमिलरली लाइन बी पी के डायरेक्शनल कोसाइंस हमारे पास क्या होंगे, बी पी एक्स माइनस एक्स टू वाई माइनस वाई टू एंड जेड माइनस जेड टू, ये डायरेक्शनल कोसाइंस हो गए हमारे पास इस लाइन के। नाउ हमारे पास रिजल्ट क्या है कि ए पी और बी पी आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो जब भी दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके डायरेक्शनल कोसाइंस के लिए हमारे पास एक रिजल्ट होता है। सपोज ए वन ए टू ए थ्री एंड बी वन बी टू बी थ्री, ये दो डायरेक्शनल कोसाइंस हैं दो परपेंडिकुलर लाइंस के, तो हमारे पास रिजल्ट होता है ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री इक्वल टू ज़ीरो। अगर दो परपेंडिकुलर लाइंस के डायरेक्शनल कोसाइंस ये हैं हमारे पास तो हमारे पास ये रिजल्ट होता है। सो यही रिजल्ट हमारे पास, ये दो लाइंस हैं ए पी एंड बी पी, इनके डायरेक्शनल कोसाइंस हमारे पास ये हैं, तो इन पर भी सेम रिजल्ट अप्लाई होगा। तो हमारे पास यहाँ से क्या रिजल्ट आ जाएगा, देखिए कि हमारे पास यहाँ से आ जाएगा x माइनस एक्स वन, यहाँ से आ जाएगा x माइनस एक्स टू, ए वन बी वन। देखिए ए वन की जगह पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर ए वन की जगह पर x माइनस एक्स वन, सेकेंड लाइन के हैं x माइनस एक्स टू दोनों का प्रोडक्ट, प्लस बी ए टू बी टू की जगह पर है y माइनस वाई वन वाई माइनस वाई टू प्लस जेड माइनस जेड वन जेड माइनस जेड टू, दिस इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये रिजल्ट आ गया हमारे पास एंड विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्फीयर इन डायमीटर फॉर्म, इट इज कॉल्ड डायमीटर फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ स्फीयर। नाउ नेक्स्ट वी विल फाइंड आउट द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द स्फीयर, जबकि हमें इक्वेशन ऑफ द स्फीयर गिवन है और हमें उसके सेंटर और रेडियस फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए देखिए क्या करते हैं, सपोज हमें इक्वेशन ऑफ द स्फीयर गिवन है, इक्वेशन ऑफ द स्फीयर इज एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, जनरल इक्वेशन हम यूज़ करते हैं हमेशा 2ux plus 2vy plus 2wz plus d equal to 0. This is the equation of sphere and we have to find out its center and radius. तो देखिए सबसे पहले हम इस equation को थोड़ा सा arrange करते हैं, x के coordinates को हम इकट्ठा लिखते हैं x square plus 2ux, y के coordinates को इकट्ठा लिखेंगे y square plus 2vy, z के coordinates को इकट्ठा लिखेंगे z square plus 2wz और d को राइट पे ले जाएंगे तो माइनस ऑफ d। नाउ स्क्वेयर्स कंप्लीट करते हैं हम, यहाँ पर है एक्स स्क्वेयर प्लस टू यू एक्स, अगर हम स्क्वेयर को कंप्लीट करें तो हमारे पास यहाँ पर क्या फॉर्मूला बन सकता है, अगर हम इसके साथ यहाँ पर यू स्क्वेयर भी लिख दें तो ये क्या फॉर्मूला बनेगा,
एक्स स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस टू यू एक्स एक्स प्लस यू का होल स्क्वायर। तो हमें स्क्वायर्स कंप्लीट करनी है, तो हमने इसमें यू स्क्वायर यहाँ ऐड कर दिया और इसको बैलेंस करने के लिए राइट साइड में जहाँ डी है उसके साथ हमने यू स्क्वायर उस साइड भी ऐड कर दिया। सिमिलरली इस स्क्वायर को कंप्लीट करने के लिए हमें चाहिए वी स्क्वायर, तो यहाँ हमने वी स्क्वायर को ऐड किया और दूसरी साइड पे भी हमने वी स्क्वायर को ऐड कर दिया बैलेंस करने के लिए। सिमिलरली थर्ड इस स्क्वायर को कंप्लीट करने के लिए हमें इसमें ऐड करना होगा डब्ल्यू स्क्वायर। सिमिलरली डब्ल्यू स्क्वायर को हम राइट पे भी ऐड कर देंगे ताकि दोनों साइड बैलेंस बना रहे इक्वेशन का। नाउ देखिए अब ये क्या बन गया हमारे पास, एक्स प्लस यू का होल स्क्वायर, ये बन गया वाई प्लस वी का होल स्क्वायर, ये बन गया हमारे पास z प्लस w का होल स्क्वायर और राइट साइड पे u स्क्वायर v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d, इसको अरेंज कर लिया हमने, ये इक्वेशन आ गई। अब देखिए अब हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ द सेंट्रल फॉर्म हमने इक्वेशन फाइंड आउट की थी, सेंट्रल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ स्फीयर जो हमने सेकंड नंबर पर इक्वेशन फाइंड आउट की थी, अगर ए बी सी सेंटर हैं तो इक्वेशन ऑफ द स्फीयर हमारे पास होती है ये, ठीक है। तो अगर हम इसको इसके जैसा बनाना चाहते हैं इक्वेशन ऑफ द स्फीयर को, तो हमें यहाँ पर कुछ चेंजेस करने होंगे। यहाँ माइनस चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, तो हम इसको ऐसे लिख लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक्स प्लस यू ही बनेगा ये फिर स्क्वायर। सिमिलरली इसको हम लिख लेते हैं माइनस ऑफ माइनस वी का स्क्वायर, जेड माइनस ऑफ माइनस डब्ल्यू का होल स्क्वायर, राइट पे यू स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी। हमें चाहिए स्क्वायर में क्वांटिटी क्योंकि आर स्क्वायर है, तो हमने क्या किया इसका स्क्वायर भी कर दिया और रूट भी, ताकि बैलेंस होके यही सेम टर्म बच जाए हमारे पास। तो देखिए अब दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, तो ए की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से माइनस ऑफ यू, बी की वैल्यू आ गई माइनस ऑफ वी, सी की वैल्यू आ गई माइनस ऑफ डब्ल्यू एंड आर इज इक्वल टू आर स्क्वायर है, तो यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर रूट। सो अब देखिए तो कंक्लूजन क्या निकला, अब इक्वेशन ऑफ द स्फीयर हमारी जो इक्वेशन आई है वो ये है, तो अगर हमने इक्वेशन ऑफ द सेंट्रल फॉर्म इक्वेशन ऑफ द स्फीयर से कंपेयर किया तो हमारे पास ए बी सी सेंटर ये आ गए, ए बी सी सेंटर होता है इस इक्वेशन का, तो सेंटर हमारे पास स्फीयर का सेंटर क्या आ गया, हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने थे सेंटर के ए बी सी, तो सेंटर यहाँ पर आ गया माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू। जो हमने इक्वेशन ऑफ द स्फीयर हम लेकर चले हैं ये, इस इक्वेशन का जो सेंटर आया है वो ये आ गया और रेडियस क्या आएगी, आर रेडियस होता है, तो रेडियस हमारी आ गई यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी का रूट। तो ये दोनों हमारे पास सेंटर एंड रेडियस है जनरल इक्वेशन ऑफ द स्फीयर, जो ये है हमारी, इसका सेंटर और रेडियस हमारे इक्वेशन ऑफ के ये दोनों होंगे। सिमिलरली हम कैसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी इक्वेशन के सेंटर और रेडियस, तो देखिए लेकिन अगर हमारी सपोज ये रेडियस कि ये वैल्यू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी, इसकी वैल्यू नेगेटिव आती है, तो रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी होने का मतलब है इमेजिनरी वैल्यू। तो अगर रेडियस इमेजिनरी है जबकि सेंटर ऑफ द स्फीयर हमारे पास रियल नंबर ही है, तो इसका मतलब जो स्फीयर बनता है जिसकी रेडियस इमेजिनरी है और सेंटर रियल है, तो इसका मतलब वो क्या होता है हमारे पास वर्चुअल स्फीयर, वर्चुअल स्फीयर, ठीक है, जिसका हमारे सेंटर पता है लेकिन रेडियस जो है वो इमेजिनरी है। और अगर रेडियस किसी स्फीयर के ज़ीरो है, इसका मतलब रेडियस ज़ीरो होने का मतलब सेंटर ही है सिर्फ, रेडियस ज़ीरो है तो इसका मतलब उसको हम क्या बोलते हैं पॉइंट स्फीयर। इजीली अंडरस्टूड है बात कि वो पॉइंट स्फीयर ही होगा। नाउ इस तरह से हम किसी भी इक्वेशन का सेंटर एंड रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए एक और करते हैं, सपोज हमारे पास इक्वेशन ऑफ द स्फीयर है ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर प्लस टू यू एक्स प्लस टू वी वाई प्लस टू डब्ल्यू जेड प्लस डी इक्वल टू ज़ीरो। दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ स्फीयर एंड वी हैव टू फाइंड आउट इट्स सेंटर एंड रेडियस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अब देखिए यहाँ पर तीनों कोफिशियंट्स ए हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इसको जनरल इक्वेशन बनाने के लिए यहाँ से ए को रिमूव करना होगा क्योंकि उसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है। तो ए से थ्रू आउट इस इक्वेशन को अगर हम डिवाइड करें तो यहाँ से भी ए हट जाएगा, डिवाइड कर रहे हैं ए से, तो टू यू बाय ए एक्स, यहाँ से ए से डिवाइड करेंगे वी बाय ए वाई, यहाँ ए से डिवाइड करेंगे
सिमिलरली d बाई ए इक्वल टू ज़ीरो। अब देखिए x के कोफिशियंट्स को फिर से अरेंज कर लेते हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस टू यू बाई ए एक्स। सिमिलरली y स्क्वेयर के कोफिशियंट्स, y स्क्वेयर प्लस टू वी बाई ए वाई। एंड z स्क्वेयर के कोफिशियंट्स, z स्क्वेयर प्लस टू डब्ल्यू बाई ए जेड। और राइट में ले जाते हैं कांस्टेंट d बाई ए, तो नेगेटिव हो जाएगा वो हमारे पास। नाउ फिर से वही करेंगे, स्क्वेयर्स कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो जब भी स्क्वेयर कंप्लीट करनी होती है तो हमें क्या करना होगा, देखिए अगर हम इसकी कंपैरिजन करें, इसका एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर से, तो जो कि हमारे पास किसका फॉर्मूला होता है, एक्स प्लस वाई होल स्क्वेयर। तो इसमें किस टर्म की कमी है, y की जगह पर है u by a, तो y स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, y मीन्स u by a। तो इसका मतलब हम इसमें क्या करते हैं, u by a तो स्क्वायर करना है, तो u स्क्वायर by a स्क्वायर को ऐड कर देते हैं, और राइट साइड पे जाके उसको हम वहाँ पर भी ऐड कर देंगे ताकि बैलेंस बना रहे। नाउ सेकेंड स्क्वायर को कंप्लीट करने के लिए हमें क्या चाहिए, v बाय ए का होल स्क्वायर, तो v स्क्वायर बाय ए स्क्वायर को यहाँ भी ऐड कर देंगे और यहाँ भी। सिमिलरली थर्ड टर्म के लिए z स्क्वायर प्लस हमारे पास क्या है, 2wa बाय z, तो इसमें हमारे पास y की जगह पर है w बाय ए, तो w स्क्वायर बाय ए स्क्वायर को यहाँ भी ऐड कर दिया और w स्क्वायर बाय ए स्क्वायर को हमने राइट पे भी ऐड कर दिया। तो लेफ्ट में देखिए हमारे पास क्या बन गया, ये परफेक्ट स्क्वायर क्या बन गया, x प्लस u बाय ए का होल स्क्वायर, ये बन गया y प्लस v बाय a का होल स्क्वायर, और ये बन गया z प्लस w बाय a का होल स्क्वायर। और राइट में वैल्यूज़ क्या क्या आ गई, इनमें a स्क्वायर तीनों में है, यहाँ a है तो एलसीएम ले लें a स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा, u स्क्वायर v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d a a d, ठीक है, क्योंकि यहाँ a था तो एलसीएम लिया, तो यहाँ पे a इसके साथ आ जाएगा हमारे पास। अब इसको भी सेंट्रल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ स्फीयर, हमारे पास क्या थी, x माइनस a का होल स्क्वायर। अगर a b c सेंटर हैं किसी स्फीयर के, तो सेंट्रल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्फीयर हमारे पास ये होती है, ठीक है। तो इससे कंपेयर करें तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, माइनस देना होगा इसको भी, इसका स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिमिलरली इसका भी स्क्वायर, इसको सिर्फ हमने फॉर्म को चेंज किया है, माइनस माइनस दे दिया प्लस की जगह पर। और सिमिलरली इसमें, इसमें हम क्या करेंगे, यू स्क्वेयर वी स्क्वेयर प्लस डब्ल्यू स्क्वेयर माइनस ए डी, पूरे का स्क्वायर करना है तो ऊपर हम रूट दे देते हैं। अब यहाँ तो ए पूरे का अगर स्क्वायर करेंगे तो नीचे वाला टर्म तो ए स्क्वेयर एज इट इज़ रहेगी, और इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होकर यही टर्म आ जाएगी फिर से। तो इसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया है जस्ट। अब दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ सेंटर था ए, यहाँ पर हमारा सेंटर क्या है, अब देखिए सेंटर यहाँ था सेंट्रल फॉर्म का ए बी सी, इसको इससे कंपेयर करें तो सेंटर क्या आ गया, माइनस यू बाय ए, यहाँ से माइनस वी बाय ए माइनस डब्ल्यू बाय ए। सिमिलरली यहाँ पर रेडियस है हमारी आर, और यहाँ पर क्या है रेडियस, आर स्क्वायर है तो स्क्वायर हटा दें, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर रूट बाय ए, ठीक है। तो ये हमारी रेडियस हो गई स्फीयर की, और ये सेंटर हो गया। अब ये दोनों केसेस कब, दोनों में क्या डिफरेंस है पहले वाले में और इसमें, इसमें हमारे एक्स स्क्वायर स्टेटमेंट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के साथ ए भी था, तो हमारा सेंटर और रेडियस कैसे चेंज हुए, सेंटर में चेंज क्या आया, डिवाइडेड बाय ए आया, और रेडियस भी डिवाइडेड बाय ए आई है। तो जनरली आपको ये रिजल्ट याद रखना है, न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट वीडियो में हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, जो अभी हमने जितना भी किया है इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे। Thank you very much.